व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, बड़ी ही प्यारी और छोटी सी एक बात बोली गई है यहाँ पर। हर एक इंसान जो है ना, पहले इस धरती पर पैदा हुआ है और फिर उसने इस धरती पर आकर कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं और उसके बाद में कंसिस्टेंट उसने जो कंसिस्टेंसी बना के रखी है, उस चीज़ों को अचीव करने के लिए वो लाइफ में आगे बढ़ता चला गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार ऊपर से ही गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो लोग गॉड गिफ्टेड माइंड होता है, सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और वो धरती पर आते हैं और बस यहाँ से आती सारी चीज़ें उनको बेली कि चांदी की चम्मच में रखी हुई मिल गई सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, हर एक इंसान को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और रियलिटी में अगर आप लोग जो जो भी इंसान अगर आज के डेट में किसी सही पोजिशन पर बैठे हैं ना, एक बार जाके उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ना, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। ऐसी ऐसी आप लोग जाकर आर्नोल्ड के बारे में पढ़ना, आर्नोल्ड की जो घर की कंडीशन थी और घर में जिस तरीके से उसको फोर्स किया जाता था, इवन ये भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था एक बार, कि उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि उसके पापा जो हैं बहुत पिटाई उसकी किया करते थे आर्नोल्ड की। तो वो जो बंदा है उसने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी। उसके पापा चाह रहे थे कि एक नॉर्मल तरीके से शादी कर लें, शादी करने के बाद में एक नॉर्मल जो एक इंसान जिंदगी जीता है उस तरीके से जीना स्टार्ट कर दे, अपना बच्चे बच्चे हो, अपना नौकरी वोकरी करे और उसकी ज़िंदगी चलती रहे। सोचिए अगर उसने उस टाइम पर उन चीज़ों के सामने गिव अप कर दिया होता तो कैसा होता। उस टाइम पर तो कहीं भी बॉडी बिल्डिंग का कोई ऐसा क्रेज भी नहीं था, कोई बॉडी बिल्डिंग को इस तरीके से करियर की तरीके से भी नहीं देखता था। पर उस बंदे ने जहाँ से निकल के आया और वो कहाँ पर पहुँच गया, किसी भी आज की डेट में आप लोग जिम के अंदर चले जाओ, कोई ही सिंगल ऐसा एक जिम होगा जहाँ पर आर्नोल्ड की पिक्चर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए उसने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ तक भी बंदे ने बोला है कि लाइफ में अगर आप लोग संघर्ष करने बैठ जाते हैं ना, तो संघर्ष एक तरीके से अपनी लाइफ के करियर के लिए इतना करो कि सामने वाला देखकर हैरान हो जाए और कभी इतनी मेहनत ना कर पाए। यानी कि अपनी जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को। जिस भी चीज में इस बंदे ने हाथ डाल दिया है वही चीज इसने अचीव की है। तो यहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ पाने के लिए मेहनत की है, कभी भी बिना मेहनत के एक सही पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। और यह भी एक बड़ी प्यारी बात है यार, अगर किसी पोजीशन पर आप लोग पहुंच भी गए ना, तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे वाली मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब एक बार टॉप पोजीशन पर पहुंच गए आप लोगों को लगता है कि अब तो कोई आगे पीछे ही नहीं है, हाँ आज के बाद से हम ही है, पर लेकिन रियलिटी में वहां पर चीजें मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। एक बार टॉप करना और कंटिन्यूअस उस पोजीशन पर रहना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये भी बात आप लोग आर्नोल्ड से सीख सकते हैं। तो ये कुछ वो बातें हैं जिनको लगता है जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो सीखे इन लोगों से कि हाँ ये भी लोग हैं और जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करके चल रहे हैं। ठीक है, एक और छोटी सी बात, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, अब भी कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, तो यार देखो मैंने बोला था ना कि आप लोग ईयरफोन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी फिलहाल जहाँ से नॉर्मल तरीके से अपनी जगह पर रहता हूँ वहाँ पर नहीं हूँ, अभी थोड़ा बाहर हूँ, कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से थोड़ी ये चीज़ें आप लोगों को एडजस्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बता दीजिएगा, ये लेक्चर मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, बस इतना कर सकता हूँ यार। पर लेकिन जैसे आप लोगों को पता ना कि मतलब जैसे कि अगर इंसान जो है आसपास में अगर एक ज़्यादा आवाज़ अगर करे तो कई सारे लोग और भी होते हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझने की कोशिश करो, वरना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब चीज़ें जो हैं, तो थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो आप लोग। कई सारे बच्चे नैनो के नीचे भी कर रहे थे, जो हमारी वीडियो आती है पीआईबी वाली, और दूसरी वीडियो के नीचे भी कि सर आवाज़ कम आ रही है, तो मैंने बोला था कि इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा आवाज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, वरना फिर दूसरे जो रूम के लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस होने लगेगा। ठीक है, और ऊपर से आप लोगों को पता है कंडीशन कैसे चल रही है पूरे देश के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, एक दो दिन के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी काफ़ी कुछ शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल में, तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को देखिए। और बाकी तो इससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटैम्प्ट करना है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अटैम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा। बात की जा रही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। ये एक नैरो स्ट्रेट है, स्ट्रेट एक ऐसी एक तरीके से एक जगह होती है जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बात करें तो इसके द्वारा चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे क्वेश्चन के। पहला, यहाँ पर तास्मान सी को साउथ सी से कनेक्ट करता है, एड्रियाटिक सी को यहाँ पर यह है आइनेनियन सी के साथ में कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरिबियन सी के साथ में कनेक्ट करता है, और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर बताइए, जो कोई सही आंसर बताएगा वीडियो के एंड में उसको एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, कौन से वाली, मैं तो पसंद करता हूँ किटकैट। ठीक है, आप लोग बता दीजिए जो उनसे आप लोगों को चाहिए। नहीं, फ्रूट एंड नट वाली जो डेयरी मिल्क वाली वो भी अच्छी लगती है वैसे। चलिए अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग अच्छे से लेक्चर सुनिए, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले जो कल जो सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ एक्टिव रही सोशल मीडिया, अगर ट्विटर पर भी आप लोग हैं तो आप लोगों ने इसको देखा होगा
कि जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे वो ने बनकर कोई और चीफ मिनिस्टर बन गए, कहाँ के, आसाम के। आसाम में अभी इलेक्शन हुआ, अगर आप लोगों से पूछे असेंबली के बारे में तो टोटल 126 असेंबली की यहाँ पर सीट थी। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं, क्योंकि अगर मेजोरिटी चाहिए तो यहाँ पर 120 तो यहाँ पर सीट है, तो यहाँ पर इसकी आधी करनी है आप लोगों को, 60+1 आप लोगों को यहाँ पर सीट चाहिए, सॉरी 126 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सीट चाहिए, तो यहाँ पर बीजेपी को जो मिली है वो कितनी मिली है, ये मिली है इनको यहाँ पर 60 सीट, ठीक है। तो 60 यानी कि 120, तो यानी कि इनके पास में क्या है, अभी कम है यहाँ पर सीटें। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी में यहाँ पर नहीं निकल कर आई है। नॉर्मली जो आप लोग अगर यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो गठबंधन वाली गवर्नमेंट बनती है, तो किसी ने किसी को मिलाकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। 64 सीट की जरूरत होनी चाहिए थी, वैसे यहाँ पर अभी 4 सीट की और जरूरत है, तो कोई ना कोई आकर साथ में साथ दे देगा। पर लेकिन जिसकी अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ा जा रहा था कि यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनका नाम था सर्बानंद सोनोवाल। पर लेकिन अभी सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर न बनकर हेमंता जो बिस्वास है, हेमंता बिस्वास शर्मा, तो ये यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और ये 15वें चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और एक और छोटी सी आप लोगों के लिए एक बात है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी स्टेट न्यूज़ में रहता है उसके बारे में जाकर थोड़ा जरूर देखिएगा, जहां जहां पर इलेक्शन हुए हैं अगर उस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी बाउंड्री जरूर देखना। यहां पर बात की जा रही है आसाम के बारे में, तो आसाम हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल ये टच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर मेघालय वो एक ऐसा राज्य है जो कि अकेला राज्य आसाम को टच करता है, यानी कि आसाम अकेला राज्य, सॉरी मेघालय को आसाम अकेला राज्य टच करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ऐसे राज्य अगर आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में कोई कितने जिसको सिर्फ एक अकेला राज्य टच कर रहा है, तो दो राज्य हैं, एक तो है मेघालय और दूसरा है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को ओनली वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, बाकी और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है। इंडियन मैप में भी अगर टाइम देकर आप लोग थोड़ा सा इसको देखोगे ना तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, इतनी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर आप लोगों को इंडियन मैप के अंदर जानने को मिलेगी। फिर ये देखो हमारी कंट्री में कितने ऐसे राज्य हैं जिनको दो राज्य टच करते हैं। खेलो मैप के साथ में यार, मैप के साथ में खेलना स्टार्ट कर दोगे ना तो जिंदगी जीने में मजा आएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, बात की जा रही है चाइना के बारे में। चाइना की जो चाइना के अंदर जो रेड क्रॉस है उसके द्वारा से अभी यहाँ पर ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेट और वेंटिलेटर भेजे जा रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ पर ये रिलीज किए गए $1 मिलियन के टू द इंडियन रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बारे में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, तभी आप लोग चीज़ों को समझेंगे। अगर आप लोगों को याद है तो 8 तारीख को हम लोगों ने जो हमारी नैनो मैगजीन आती है PIP वाली वीडियो, बेसिकली फिर आप लोग पूछते हैं कौन सी है, दो वीडियो इस चैनल पे आती हैं रेगुलर जो करंट अफेयर कंप्लीट आप लोगों को कवर कराती हैं। एक में ऑल इंडिया रेडियो PIP की न्यूज, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो सारे इकट्ठा करके लेकर आते हैं, उसको हम लोग नैनो मैगजीन बोलते हैं, ठीक है, छोटी सी मैगजीन, ठीक है। और बाकी दूसरी आप लोगों के सामने वीडियो ही है, तो उस वाली वीडियो में मैं फैक्ट एंड फिगर जो मैक्सिमम चीजें कवर करता हूं, जैसे इंपॉर्टेंट डे वगैरह हो गया वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस करता हूँ, तो उसको आप लोग जो फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम लोगों ने डिस्कस किया था 8 मई को अभी, ठीक है, तो दो दिन पहले। तो जब ये डिस्कस किया मैंने आप लोगों को बताया था, तो हेनरी डोनेट ये वो पर्सनैलिटी है जो कि वर्ल्ड में पहली पर्सनैलिटी थी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यहाँ पर, ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान सोसाइटी के लिए कितना कुछ करके गया है। तो इसको जब 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, एक बार तो इंडिविजुअल पर्सन को और बाकी का यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पर 1917, 1944, 1944 और 1963। पर लेकिन थीम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, थीम आप लोगों को बतानी है यहाँ पर खुद, और मोटिवेट करने वाली है थीम यहाँ पर, अभी 2 बार रिवाइज कर चुका हूँ पिछले कुछ टाइम में इसको, तो आप लोग इसको रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो थीम आप लोग बताइए, थीम क्या है इसकी। तो अभी यहाँ पर जो चाइना का रेड क्रॉस है उसने इंडिया का जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर उसको यहाँ पर हेल्प की एक तरीके से, ताकि हमारी कंट्री में चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके, तो उसके चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है। हालांकि चाइना जो है कोई भी चीज़ें जो है नॉर्मल तरीके से हैंड नहीं कर रहा है, वो तो मैक्सिमम पैसे कमाने का बात है, वो एक अलग बात है। चलिए जो भी है, चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे पैसे में मिले चाहे फ्री में मिले, पर लोगों की जान बचनी चाहिए, ये अभी पहला मुद्दा है, ओके। आगे बात करते हैं, कल हमारी कंट्री में जो केस आए यहाँ पर, ये 3,55,000 केस देखने को मिले, और जो लोगों की जान गई ये 3,461 लोगों की जान गई। तो इसके चलते जो सिचुएशन है वो हालांकि पहले के कंपेयर में थोड़ी सी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है, पर फिर भी काफी ग्रेव सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और कल जो एक काफी ज्यादा न्यूज में रहे यहां पर, आप लोगों ने शायद इनकी कुछ वीडियोज भी देखी होंगी, एक यूट्यूबर थे जिनका नाम था राहुल वोरा, तो रिसेंटली अभी ये भी हमारे बीच में नहीं रहे, और अभी एजी कितनी थी यार बंदे की, ओनली लगभग 35 ईयर इज ओल्ड थी इनकी, और ये एक बहुत ही अच्छा काम करते थे लोगों को हंसाने का, आप लोगों ने अगर इनकी वीडियोस देखी होगी, तो ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं कोविड 19 के चलते।
तो ये काफी बड़ी एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं जो यूट्यूबर कम्युनिटी है, खासकर जो एंटरटेनमेंट के अंदर है। और कई सारे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर भी जो अलग अलग चैनल्स पर पढ़ा रहे थे, अलग अलग जो लेवल पे पढ़ा रहे थे, कोई एसएससी को पढ़ा रहा, कोई बैंकिंग को पढ़ा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स की भी जान चली गई यार अभी तो। कोविड-19 ने किसी भी एरिया में किसी को नहीं छोड़ा है, पॉलिटिशियन के बच्चों की जान चली जा चुकी है, कई सारे पॉलिटिशियन जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी भी इनइक्वलिटी नहीं देख रही है, सबको एक नजर से, सबको इक्वल तरीके से देख रही है। तो अभी ये सिचुएशन निकल कर आ रही है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। इनके द्वारा टैग भी किया गया था प्राइम मिनिस्टर डिप्टी सीएम को बेटर ट्रीटमेंट के लिए एफबी पोस्ट पर, लेकिन वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को पता है पैसे भी काम नहीं आ रहे इंसान के। बड़े बड़े अमीर आदमी जो है ना, जो जिसको धन्ना सेठ आप लोग बोलते हैं, उनके पैसे भी धरे के धरे रह गए। ये एक ऐसी बीमारी सामने निकल कर आई है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने तरीके से अगर ध्यान रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। खासकर घर वालों को, जो बुजुर्ग हैं घर में, उनको घर से बाहर न जाने दें, आप ही घर से कुछ सामान लेके आना है बाहर से, वो कोशिश करो। मतलब ये एक तरीके की एक कोशिश आप लोग बोल सकते हैं, बाकी तो देखिए जो है ऊपर वाले के हाथ में, पर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए। ओके, आगे बात करें तो यहां पर हमारी कंट्री में एक यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं अभी यहां पर, कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीजें जो होनी चाहिए थी उस तरीके से यहां पर नहीं चल रही है। कई सारी ऐसी जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी बोला गया कि एक तरीके से कंसर्न की बात है कि कोविड 19 का जो रेस्पॉन्स यूपी से निकल कर आ रहा है, और जिस तरीके से जो मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल हैं वो लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट लोगों को होना पड़ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीजें प्रोवाइड ही नहीं कराई जा रही है। तो जिसके पास में पैसा नहीं है वो क्या करेगा? आप लोगों को मैंने बोला था कोई मंगलसूत्र बेच रहा है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, तो ये इस तरीके की हालत यहां पर हो गई है। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई, इसलिए बोला जाता है कि मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं, इनके लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले इस बीमारी की वजह से। तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये बीमारी कहां पर ले जाकर चीजों को छोड़ने वाली है। बाकी ये बात की जा रही है, ये गवर्नमेंट जो है वो आरोप लगा रही है योगी जी की, कि कई सारे हॉस्पिटल में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी उससे 2 से 3 गुना यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यानी कि फालतू में ऑक्सीजन वेस्ट की जा रही है। ये यहां पर चीफ मिनिस्टर योगी जी के द्वारा बातें कुछ ऐसी बोली गई कि गलत तरीके से मिसयूज ऑक्सीजन का किया जा रहा है। तो ये यूपी में ही यहां पर ऐसी खबर निकल कर आती है नॉर्मली, तो चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा। पहले इनके द्वारा बोला गया था कि ऑक्सीजन की कहीं जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने देखा, फिर मीडिया ने नजर डाली तो कुछ अलग ही नजारा निकल कर आया। अभी इसका क्या सोल्यूशन निकल कर आएगा तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, अगर न्यूज आएगी तो जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। जैसा मैंने बोला था, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे अलग अलग एरिया में लॉकडाउन लगाए जाएंगे, तो दिल्ली से भी न्यूज निकल कर आ गई कि 17 मई तक यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इवन जो मेट्रो सर्विस वगैरह थी वो भी फिलहाल के लिए सस्पेंड रहेगी, तो ताकि चीजें थोड़ी सी और टाइट की जाए आराम आराम से। देखिए अच्छी बात यहां पर क्या है, मैं एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। पहली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था ना, बिल्कुल आनंद फानंद में लॉकडाउन लगा दिया, सब कुछ चक्का जाम कर दिया, पर फिलहाल जो है लॉकडाउन बिल्कुल पैटर्न में चीजों को लेकर चल रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो समझ जाए कि आगे चीजें बढ़ने वाली हैं और पहले से अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रख ले, ठीक है। तो इसलिए आराम आराम से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिससे कि चीजें ज्यादा हफर थपर में न हो, जैसे लास्ट टाइम मार्च में देखने को मिली, तो वो वाला पैटर्न यहां पर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में कुछ बातें हैं, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कई सारी पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो आज के डेट में अलग अलग तरीके से हेल्प कर रही है, जैसे यहां पर ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं किस तरीके से। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके घर में कई सारे लोगों की जान चली गई, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर उन लोगों की हेल्प की जा रही है। अगर वो अपने लोगों को जला रहे हैं ना, उनको अपना अंतिम जो उनका बेसिकली जो दाह संस्कार वगैरह होता है, जो दफनाया जाता है, जो जलाया जाता है, वो सारी चीजों में उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों पर क्रियाकर्म करने के भी लोगों के पास में पैसे नहीं बचे, तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि DNA कंडीशन है यार, अगर रियलिटी में आप लोग समझोगे तो। ये सारी चीजें वो हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए, और इतनी भी खराब कंडीशन नहीं है कि वो हमारे सामने टिक जाए, ठीक है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोरोना वायरस जो है दम दबाकर भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन वही है मिलकर साथ में काम न करना, अपने आप को सुरक्षित न रखना, लापरवाही बरतना, वो सारी चीजें हमारे ऊपर भारी पड़ जा रही है। पेपर में भी आप लोग ये चीजें देखोगे, हमेशा आप लोगों की गलती आप लोगों के ऊपर भारी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोग आनंद फानंद में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, अच्छा इसका ये, इसका बी, इसका सी, और फिर आप लोगों को लगेगा हमने तो सही किया, पर फिर आकर देखोगे यार ये तो गलत हो गया, इसको तो ये होना था। वही चीजें हैं, हमारी गलतियां हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हर टाइम हम लोग ये चीजें देखेंगे। इसी तरीके से
ये लकड़ियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, आप लोगों को पता है, तो दुनिया भर के यहाँ पर अभी आसपास वाले एरिया में ये भी एक अलग व्यापार बन गया है लकड़ियाँ बेचने का। तो इसके ऊपर भी काफ़ी एक मारामार चल रही है कि लकड़ियाँ किसको मिलेंगी जो अपनी अर्थी जलाने, जो अपने किसी रिलेटिव की अर्थी जलाने के लिए। तो ये भी काफ़ी एक अलग ही सिचुएशन निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। आप लोग देखिए, जो ये बोलते हैं ना कि यार सॉल्यूशन का प्रॉब्लम कैसे निकालना है, तो किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा अगर आप लोग उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखेंगे। 99% जो लोग हैं ना इस अर्थ पर, वो पता है कैसे हैं, वो प्रॉब्लम आती हड़बड़ा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी पता नहीं कैसे चलेगी, अब पता नहीं क्या होने वाला है आगे। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चीज़ों को देखोगे तो आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ों को सोचोगे तो आप लोग उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात की जा रही है कोयम्बटूर में, तो उनके द्वारा एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जा रहा है जो कि यहाँ पर एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, एक रोबोट टाइप है कोविड 19 के पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए, ताकि उनको आइसोलेशन में रखा जा सके। तो इसी तरीके से अगर कुछ भी आप लोग सोचेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम लोग बस ये सोचते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग स्कूल कॉलेज में थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो किसी तरीके से बस नंबर बन जाए, ठीक है, अगर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसकी फाइल जाएगी, प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। इवन अगर आप लोग ग्रेजुएट में भी थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस टाइम पर भी एक कंडीशन देखने को मिलती थी। पर थोड़ा सा अगर हम लोग वहां पर रुक जाएं, जॉब के बारे में इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर हटके रियलिटी में उसमें इंटरेस्ट जनरेट कर लें, तो अलग चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। वैसे सोच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कुछ कई सारे जो दोस्त हैं ये मिले और इनके द्वारा ये देखा गया, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दाह संस्कार करा रहे हैं लोगों का, इनके जो लोगों की जान जा रही है, वहाँ पर कंटिन्यूअस स्टाफ लगा हुआ है, ठीक है, कई सारे लोग वहाँ पर कंटिन्यूअस लगे हुए हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको फूड सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए भी यहाँ पर ये 15 वॉलंटियर सामने निकल कर आए, 15 जो लोगों की टीम बन गई, ऑल ओवर जो ग्लोब है वहाँ से जो भी दोस्त थे इनके द्वारा अपनी टीम इकट्ठी की गई, और लगभग 100 से ज़्यादा पैकेजेस जो ये अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। अब ये सोचिए, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ क्यों छापी जा रही है? ये इसलिए छापी जा रही है ताकि ये न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचे, और अगर आप लोग भी अपने लेवल पर कहीं किसी भी तरीके से कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग हेल्प करिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों के फिर एथिक्स और जो एसए का पेपर होगा वहां पर आप लोगों की झलकेगी, और इंटरव्यू में भी आप लोग बोलेंगे कि हां इस तरीके से सर मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया इन सब चीजों में, तो वहां पर भी आप लोग एक जेन्युइन तरीके से बोल पाएंगे। एक तो ऐसे होते हैं फेक बोल दिया जाकर कि हां मैंने भी ये किया, मैंने वो किया, पढ़ लिया बस बता दिया जाकर, एक होता है समझ जाते हैं यार वो वहाँ पर एक्सपीरियंस खिलाड़ी रहते हैं तो समझ जाते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, अगर आप लोग रियलिटी में हेल्प कर रहे हैं जेन्युइनली, तो आप लोग उसका बारीकी से देखेंगे उस चीज़ को कि हाँ ये सर ऐसे था वहाँ पर, ऐसे था वहाँ पर, गए थे, ये हो गया था, तो वो समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, एक साइड में हेल्प कर रहे हैं, दूसरे साइड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के द्वारा कई जगह यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट कराए गए, तो वहाँ पर देखने को मिला कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आज की डेट में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, इन सबको होर्डिंग लगाकर बैठे हैं, और दूसरी साइड में कंडीशन ये है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसी सिचुएशन है। यहाँ पर एक महिला जो है वो अपने बच्चे को लिए बैठी है यहाँ पर, और गार्बेज से कुछ सामान उठा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी यार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को एक इंसान होने के नाते ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें क्या हैं, और उसके हिसाब से हम लोग जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, तो उस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग पता रखिएगा इसके बारे में। ये एक छोटी सी स्टडी यार यहाँ पे ये बता रही है कि जैसे अभी फर्स्ट वेव आई हमारी कंट्री में, फिर उसके बाद में सेकंड वेव कोरोना की देखने को मिल रही है, अभी जैसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है अगर उसी पैटर्न पर हम लोग चलते रहे तो फिर से एक नई वेव भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर हमारे बिहेवियर में, डेटा को एनालिसिस करने में या दवाइयों को ढंग से प्रोवाइड कराने में, अगर टेस्ट कम करने में हमारी ऐसी ही कोताही बरतते रहे जैसे पहले बरती गई, और जब भी फिलहाल अभी भी अप टू द मार्क चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता है एक और वेव आने से। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम लोग को सतर्क होकर चलना पड़ेगा, अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उसको ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो उसी के ऊपर यहाँ पर ये एनालिसिस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये न्यूज़ है इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग लंबे समय से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो कई बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। पहले मार्च के महीने में ये न्यूज़ चल रही थी, उससे पहले भी यहाँ पर, अभी रिसेंटली अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अपनी कंट्री का जो व्यू बंगाल वाला रीजन ही है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को नीचे आएंगे तो अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट के द्वारा डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, तो इन्वायरमेंट अप्रेजल जो कमेटी है उसके द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, चाहे कोई होटल बनाना है या फिर कोई और इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करनी है जिस तरीके से, खासकर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से, तो जो ग्रीन पैनल है उसके द्वारा अलाउ कर दिया गया है ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस, यानी कि उसको बोला जा रहा है कि अब वो उसको आगे लेकर चल सकता है। तो इन्वायरमेंट अप्रेजल जो कमेटी है
उसके द्वारा हालांकि इसमें कंसर्न बताए गए थे कि ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर भी आप लोग कुछ अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस एरिया में कोई इन्वायरमेंट को आप लोग ध्यान में देखिए कि क्या क्या नुकसान वहां पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि यहां पर जो लेदर बैक टर्टल है ये अभी देखने को मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये बेव बंगाल, ये सॉरी ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको गैलेथ बे बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी नेस्टिंग करते हैं, यानी कि आकर बीच पर यहाँ पर अपने अंडे देते हैं जिनमें से फिर बच्चे निकलते हैं। तो ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो चीजें इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर कल को यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है तो इस तरीके के जो जीव जंतु हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए जो एस्टिमेशन लगाई जा रही है यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। ये बोला जाता है कि जैसे सिंगापुर है ऐसी कई सारे सिंगापुर हम लोग अपने जो कोस्टल एरिया है उन पर डेवलप कर सकते हैं, पर लेकिन लेकिन किसके कोस्ट पर, ठीक है, तो वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। यानी कि जो कोस्ट है उसकी क्या हम लोग पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो जाएगा पर लेकिन इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा, वहां पर रहने वाले जीव जंतु को क्या नुकसान पहुंचेगा, ये भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ठीक है। तो उसी के चलते बराबर इन चीजों का क्रिटिसिज्म होता है कि डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है, इन्वायरमेंट को छोड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर कई बार एसे यानी कि निबंध भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो अगर एसे में आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये भी एक पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो रिसेंटली अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद जो नसीद हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, वहां पर उनकी जान जान बच गई, मुश्किल से बचे वहां पर वो। तो उसी के चलते अभी जो की सस्पेक्ट है जिसके द्वारा हरकतें की गई उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। मालदीव मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि एक साइड में मेडागास्कर है और एक साइड में इंडिया है, तो मालदीव किसके पास में पड़ता है, तो इंडिया के जस्ट पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर माले इसकी कैपिटल है मालदीव की, और ये इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग रुपया बोलते हैं ना, रुपया यूज करते हैं हम लोग, यहां पर रुपया है, ठीक है, RUFIYAA रुपया यहां पर मालदीवियन करेंसी है और माले जो है वो कैपिटल है, ठीक है, ये आप लोगों के सामने बातें। बाकी एक छोटी सी न्यूज है, हल्का सा आइडिया बस पता होना चाहिए आप लोगों को, वैसे ज्यादा घुसना नहीं है इसके अंदर। चाइना का जो रॉकेट है वो अभी रिसेंटली गिरा है आकर कहां पर, मालदीव के पास में, ठीक है। तो चाइना का जो रॉकेट था यहां पर ये अभी देखने को मिला। नासा जो है वो बीजिंग को बोल रही है कि टू एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं यहां पर बनाया जा रहा है, कल को इस तरीके से जो डिब्री आकर गिरती है, ठीक है, तो चाइना को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से इन चीजों को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंट्री अगर इस तरीके से स्पेस में कुछ चीजें भेज रही है और फिर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसको टैकल कैसे करके चलना है, ठीक है, यानी कि जिसने रायता फैलाया समेटना भी उसी को पड़ेगा। तो ये अभी मालदीव के पास वाले रीजन में यहां पर ये रॉकेट आकर गिरा, सोचिए अगर किसी लैंड वाले रीजन में आकर गिर जाता जहां पर जनता रहती है तो कितने सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहां पर देखना पड़ेगा जिस भी कंट्री की जो भी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, आनंद फानन में बस ऐसे ही किसी के साथ में, वो नहीं कहते कि किसी के साथ में कंपटीशन में आकर, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि उसके साथ में पैज लगा ली, ठीक है, उसके साथ में कंपटीशन में आ गया, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जो जरूरी है, अगर आप लोगों को आज की डेट में एक लैपटॉप की जरूरत है तो आप लोगों के पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे पास में तो एप्पल का ही लैपटॉप होना चाहिए, तो ये तो एक तरीके की बात अलग होगी, ठीक है, अपनी कमाई से खरीदना है यार वो चीजें, घर वालों की कमाई से नहीं, घर वालों की कमाई से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, एंजॉयमेंट जब भी करना हो अपनी कमाई से करते हैं। पर लेकिन आप लोगों ने सुना होगा इसका उल्टा काफी अच्छे से कहावत है कि माँ बाप की कमाई पर ही मजे किए जाते हैं, अपनी कमाई पर तो बस पूर्ति होती है, तो वो काफी बुरी बात है, उसका अपोजिट होना चाहिए जबकि देखा जाए तो, ठीक है। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं वो आप लोग देखिए और इसको चेंज कीजिए। अगर पहली कैटेगरी में अगर आप लोग इस कैटेगरी में आता है कि माँ बाप के पैसों पर ऐसे की जाती है तो गलत चीजें हैं वो, ठीक है। बाकी जो साउथ सुडान है उसके बारे में बात की जा रही है, साउथ सुडान के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा डिसॉल्व कर दी गई उनकी पार्लियामेंट, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए लोकेशन कहां पर है, न्यूज में आ जाता है जब यहां पर। तो ये हो गया सुडान और नीचे हो गया साउथ सुडान, सुडान से साउथ सुडान को अलग किया गया था 2011 में, अलग किया गया था यहां पर, ठीक है, याद रखना अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला गया था इसको अलग करने के लिए, ठीक है, मतलब उस टाइम पर हमारे देश में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला था करप्शन के खिलाफ, ठीक है। तो ये यहां पर एक न्यूज है जो कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक और छोटी सी न्यूज है, इंपॉर्टेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं वैसे देखा जाए तो, अगर अपनी कंट्री के रिलेशन के बारे में बात करें, देखिए अभी आप लोगों को पता है कि यूके जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है वो बाहर निकल गया, किससे, ये निकला यूरोपियन यूनियन से, तो इसके बाहर निकलते यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर रह गए 27 रह गए, पर लेकिन अब इसके अंदर भी यहां पर अभी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे स्कॉटलैंड इसका एक पार्ट है, स्कॉटलैंड भी यहां पर अभी जो पार्टी जीत कर आई है वो हमेशा चाहती है कि यूके से अलग हो जाए, एक इंडिपेंडेंट राज्य बने, क्योंकि खुद ही इसका नाम यूनाइटेड किंगडम है, यानी कई सारे जो किंगडम है, चार जो किंगडम है यूनाइटेड किंगडम में, जो स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया नॉर्दर्न, और वेल्स हो गया, और इंग्लैंड हो गया, इनको मिलाकर इनके द्वारा किंगडम बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए इसको, तो अब एक किंगडम चाह रहा है कि वो अलग हो जाए यहां से, तो क्योंकि यहां पर जो पार्टी जीत कर आई है वो नेशनलिस्ट पार्टी है, वो अपने एरिया पर फोकस करना चाहती है, तो इस तरीके से पता चला वो यूरोपियन यूनियन से निकल कर आए, अभी ये निकलकर स्कॉटलैंड वाले यहां से जाकर यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर रहे हैं अलग कंट्री बनाकर। तो ये रेफरेंडम की बात करते हैं कई बार, तो अभी सेकंड पहले रेफरेंडम ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर से रेफरेंडम की बात की जा रही है, तो
जो प्रो इंडिपेंडेंट पार्टी है वो क्या करेगी, सेम कंडीशन आयरलैंड में कई बार देखने को मिलती है। आयरलैंड का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, ये चाह रहे थे कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ में रहे, ठीक है, पर लेकिन यूके के साथ में इनको बाहर निकलना पड़ गया, तो यूके का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ सकता है। ये वही यूके है जिसने हमारे ऊपर 200 साल रूल किया था, और जब यहां से छोड़कर जा रहे थे तो ये बोल रहे थे कि इंडिया जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कभी भी इंडिया यूनाइट नहीं रहेगा। तो देखिए यार, जैसा इंसान करता है ना वैसा भरता है, यहीं सबको सजा मिलती है। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया और हमको बोले थे कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, आज की डेट में अपनी जो इज्जत है वो बचाने पर तुले हुए हैं, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने तो इनके साथ में कुछ गलत नहीं किया ना, हमने तो हमेशा इनको अपनी जो प्रॉपर्टी लुटा दी, सोने की चिड़िया लूट कर ले गए, पर लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने चीजें हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसे चीजें बनती है, जो भी होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से देखें जो भी न्यूज है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर देख लिया कीजिए अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो। आइए अब कुछ आर्टिकल देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग भी आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। तो यहां पर जो ये आर्टिकल है, लॉकडाउन को मिसयूज नहीं करना चाहिए जैसे पहले किया गया, उसके बारे में आर्टिकल है, तो समझेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। साइड में जो आर्टिकल है ये यहां पर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, जो कि अभी इलेक्शन हुए यहां पर आप लोगों को बताया तमिलनाडु के अंदर, तो उसमें अभी डीएमके जीत कर आ गई है, तो एआईएडीएमके जो पहले पार्टी पावर में थी वो अभी नहीं जीती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जहां पर जो जुडिशरी है उसके मेल मिलाप के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली जिस तरीके से अभी जुडिशरी के द्वारा बोला गया है कि हमारी कंट्री में जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर में होना चाहिए, तो उसी के बारे में तो समझेंगे। ये अभी दो दिन पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये ट्रिप्स भी आप लोग बोल सकते हैं, वैसे नॉर्मली इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS, ठीक है। तो ये WTO के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए थे, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अभी क्या बात की जा रही है कि जो दवाइयां हैं उसमें बोला जा रहा है कि पेटेंट को इंप्लीमेंट मत कीजिए, तो उसी के बारे में आर्टिकल था बिलगेट्स वाली, जो मैंने आप लोगों को न्यूज भी बताई थी उस टाइम पर, बिलगेट्स भी बोला है कि हाँ होना चाहिए, तो वो सारी बातें थी। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि बिलगेट्स की वाइफ छोड़ के भाग गई इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं यार, वो पर्सनल चीजें हैं उसकी, उस पर कमेंट मत किया करो, ठीक है, प्रोफेशनल चीजों को देखा करो, ओके। नेक्स्ट यहां पर केरला की जो अंदर पार्टी है उसके बारे में बात की जा रही है, मंडे को जो भी डायरेक्टर लिखते हैं ये उनको रिप्लाई करते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खासकर अगर बात करें जो साइड वाला नीचे वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये बात ये कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में पहली बार महामारी देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उससे पहले हमारी कंट्री में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे हम लोगों के पास में, हमारी कंट्री में लोग भूखे मर रहे थे, उसी टाइम पर हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमारी कंट्री में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, तब जाकर हमारा देश जो है वो आगे बढ़ा और चीजें सुधरी और आज के डेट में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें ना अगर गुर्बत के टाइम पर, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग चीजें कंट्रोल कर लेते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं 99% जो लोग हैं वो अपने हथियार डाल देते हैं जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर अगर आप लोगों को संभाल लो अपने आप को तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि अपनी पुरानी चीजों से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने चीजें सुधारी हैं और आगे भी हम लोग उसी तरीके चीजें सुधार सकते हैं, तो ये बेसिक बातें हैं। कार्टून है, डेटा पॉइंट है, इसको देखेंगे और PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। और आंसर राइट करने के लिए टेलीग्राम पर ही वीर तालियान के नाम से ग्रुप है, ठीक है, तो वीर तालियान लिख देना स्टडी लेवल के हिसाब से, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ऐसे जैसे व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन करते हैं वैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले कार्टून है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में, जिसको बोलते हैं FCRA, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है हमारी कंट्री में, ये 2010 में लाया गया। इसका मतलब क्या है कि बाहर से अगर हमारी कंट्री में कोई पैसा भेजता है तो गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर करेगी और उसमें देखेगी कि ये पैसा जो है वो सही जगह आ रहा है या फिर सही जगह नहीं आ रहा है। तो बाहर से जैसे यहां पर दिखाया गया, बाहर से अगर ऑक्सीजन आ रही है उसके लिए पैसा आ रहा है, तो FCRA जो है वो यहां पर उसको अंदर नहीं आने दे रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि FCRA की हेल्प से उसको रोका जा रहा है हमारी कंट्री में। तो बहुत सारी एनजीओ ऐसे हैं जैसे ग्रीन पीस भी उनमें से एक है, जो कई सारे लेवल पर कंट्री के अंदर चीजों की हेल्प कर रही थी, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट की रूल और रेगुलेशन है उसके चलते अभी वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि FCRA के जो रूल है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, COVID-19 से रिलेटेड जो एड है वो इंडिया में आने से रोका जा रहा है यहां पर हमारी कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग समझ सकते हैं ये कौन है, सेंटा क्रूज बन चुके हैं सेंटा क्लोज बन चुके हैं, क्रूज नहीं टॉम क्रूज, ठीक है। अभी यहां पर यही दिखाया जा रहा है कि FCRA का पैसा जो कि यूज किया जा सकता था जनता के लिए, तो वो बाहर से नहीं आने दिया जा रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप लोग इसके बारे में अगर 40 से 50 शब्द लिख सकते हैं तो जरूर लिखेगा, और FCRA के बारे में जो वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने बता रखा है कैसे कैसे काम करते हैं उसको जरूर देख लेना, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है। तो FCRA बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वैसे टेलीग्राम पर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा,
तो देख लेना आप लोग उसको, ताकि आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। अगर माइंड में क्लैरिटी है इस टॉपिक को लेकर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो फर्स्ट डोज कितनों को मिला है, ठीक है, किनको दोनों डोज मिले हैं। तो दोनों डोज वाले जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो ग्रीन वाले हैं, और ग्रीन में ओनली 10% से भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों डोज यहां पर मिल चुके हैं। ठीक है, बाकी जो येलो है यहां पर ये उनको सिंगल डोज मिले हैं। ठीक है, जो प्लस वाला है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फर्स्ट डोज मिले हैं जो 60 साल से ऊपर है। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ओनली 40% ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज मिला है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी कोई सा भी लेवल ऐसा नहीं है जिसको आप लोग बोले कि ये वाला सेक्शन सोसाइटी का, इनके बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए या महिलाएं हो गई, हम लोगों ने कवर कर लिया। कोई भी सेक्शन अब तक कंप्लीटली कवर नहीं हो पाया, और इसी के साथ में टेस्टिंग जो लेवल है वो अप टू द मार्क देखने को मिल रहा है कई सारे राज्य के अंदर में। ठीक है, तो जो हेल्थ है वो नॉर्मली अगर आप लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सातवां जो शेड्यूल है, सातवें शेड्यूल के अंदर हेल्थ को रखा गया है। तो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और बाकी अगर इंटर स्टेट कोई डिजीज ट्रांसमिट होती है, जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं ये COVID-19 चल रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट आता है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, ये फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, सेंटर को भी स्टेट को भी, पर लेकिन अभी इंप्लीमेंटेशन उस लेवल पर चीजों का देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग समझेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा भी एक आर्टिकल मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा, ताकि जो आज के आर्टिकल हैं, आज के आर्टिकल तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो एक एक्स्ट्रा आर्टिकल डाला मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब डिजास्टर की बात करते हैं तो कुछ ऐसी महामारी, कोई सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, कोई यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो एक्टिविटी की गई, तो इसको आप लोग डिजास्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये जीएस पेपर 3 के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो डिजास्टर की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को बतानी चाहिए, एक तरीके से आपदा को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अगर इसको आप लोग नॉर्मल तरीके से देखेंगे, तो एक तरीके से डिजास्टर का मैनेजमेंट, यानी कि कोई आपदा आ गई, आपदा कैसी भी हो सकती है, जिसके बारे में भी आप लोगों से बात भी करूंगा, कई सारी तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो उनको कैसे टैकल करके चलना है, तो कैसे रिसोर्सेज जो है उनको रेस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करना है, कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है और कैसे रिकवर करना है। तो यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों के लिए प्रिपेयर रहना। मैंने आप लोगों को बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। हम लोग कई बार ना प्रिवेंट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से फिर इलाज करना पड़ता है, और कई बार इलाज के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसी कुछ कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी ये काफी ज्यादा न्यूज थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आग लग रही है, तो उसको कैसे हम लोग टैकल करके चल सकते हैं। तो अगर बात करें पास्ट टाइम की, अगर चीजें आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जो फायर है हॉस्पिटल के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ गई है अभी COVID-19 के चलते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको NCRB आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यह बोला गया रिसेंटली, अभी जो कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी होते से कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है या फिर कोई और चीजें हैं, कंपनी वगैरह है, 330 लोगों की जान जा चुकी है। अगर आप लोगों से कोई स्टेटमेंट देकर पूछ ले कि कमर्शियल बिल्डिंग में ज्यादा लोगों की जान जाती है या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज्यादा जान जाती है, जहां पर लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज्यादा जान जाती है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कहीं ज्यादा हायर, यानी कि 6,329 लोगों की जान गई। ये कहीं बार कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, कई बार घर में आग लग गई, सिलेंडर फट गया, वो चीजें देखने को मिलेगी, तो कई तरीके की चीजें हैं। मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, लेकिन नॉर्मली तो हम लोग COVID-19 से रिलेटेड जो हॉस्पिटल में आग लग रही है उनके बारे में बात करते हैं, पर लेकिन इससे भी ज्यादा इंपैक्ट अगर आप लोगों को मैं बोलूं, एक चीज का यह भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि आज की डेट में अगर डिजास्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोग देखिए, यहां तो हम लोग बात कर रहे हैं बस ओनली COVID-19 के बारे में, आग लगने के बारे में, पर लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में अगर देखेंगे, तो कई बार पानी से रिलेटेड डिजास्टर को जो अगर आप लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कोल्ड वेव हो गया, सूखा पड़ गया, जो कि हुरिकेन वगैरह आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, जियोलॉजिकल डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, लैंडस्लाइड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक लिंक भी शेयर करूंगा, जिस पे जाकर आप लोग टेलीग्राम पर पढ़ सकते हैं, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, कि यहां पर डिजास्टर से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड क्या क्या बातें। बाकी बायोलॉजिकल डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इंडस्ट्री में आग लग गई, जैसे कि आप लोगों को पता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें। अभी अगर बात करें न्यूक्लियर डिजास्टर, जैसे आप लोगों को पता है जापान के अंदर में, ठीक है,
अभी न्यूज में भी था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैन मेड डिजास्टर कैसे होते हैं, आग लग गई कहीं पर, ह्यूज बिल्डिंग में जो फायर लगती है, फॉरेस्ट में कई बार आग लग जाती है, बीड़ी पी सिगरेट पी फेंक दी, ऐसे ही तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट लाया गया था 2005 में, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है यहाँ पर, ये प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करते हैं और बोलते हैं कैसे रेडी हम लोग को रहना है, और कैसे अगर डील करना है, अगर चीजें होती हैं कैसे एक्सेस करना है हम लोग को, इस तरीके से कैसे एक तरीके से एक्सेस तरीके से करना है हम लोग को, सीवियरिटी कितनी है यहाँ पर, ये ठीक है, कैसे रेस्क्यू करना है लोगों को बचाना है, और जो बच गए कैसे उनको रिहैबिलिटेट करना है और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है ताकि उनकी जिंदगी एक नॉर्मल चल सके। तो ये सारी चीजें माइंड में अगर क्लियर रहेंगी तो हम लोग चीजों का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आग लगने के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर आग क्यों लग रही है, तो मैंने सबसे सारे डिजास्टर बता दिए, उसके बारे में अगर बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर आग क्यों लग रही है, तो उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे लीडिंग कॉज हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट होता है शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। ठीक है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है कई बार। हॉस्पिटल का जो आईसीयू है, जिसको बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं और जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, जरा सी कोई चीजें चली तो ऑक्सीजन की वजह से आग लग जाती है वहां पर, ये चीजें देखने को मिलती है। फायर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। फायर सर्विस अगर आप लोगों से कोई पूछे, पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, म्युनिसिपल फंक्शन है यहां पर ये, जिसमें जो 12th शेड्यूल है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि कौन सा अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था ये बताइए। ठीक है, आर्टिकल 243 का जो डब्ल्यू वाला सेक्शन है, इसके अंदर यहां पर ये इसके बारे में बात करते हैं, फायर सर्विस के बारे में। ठीक है, हमारी कंट्री में जो नेशनल बिल्डिंग कोड है 2016 के, उसके अंदर बात करें तो फायर सेफ्टी के बारे में बात की जाती है, जिसके चलते ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको BIS आप लोग बोलते हैं, वो भी बात करते हैं कैसे इसको टैकल करना है, ये रिकमेंडेटरी नेचर का है। इम्प्लीमेंट देखिए, हमारी कंट्री मैक्सिमम अगर आप लोग बातें देखिए, ये ओनली रिकमेंडेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को सप्रेस नहीं कर सकते कि आप लोग इनको इम्प्लीमेंट ही कीजिए, तो वो बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकलकर सामने आती है। स्टेट के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकल बिल्डिंग को कैसे लेकर चल रहे हैं, मैंडेटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से समझिए। तो प्रिपेयर कैसे रहना है, रेस्पॉन्ड कैसे करना है, रिकवरी कैसे करनी है और मिटिगेट कैसे करना है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो चार फेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये जिनको आप लोगों को, इनके ऊपर भी आप लोग चार पॉइंट बना सकते हैं अलग अलग से, अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो। नेक्स्ट यहां पर मॉडल बिल्डिंग जो कोड है हमारी कंट्री में, उनके बारे में बात करें तो मॉडल बिल्डिंग बाय जो लॉ है यहां पर 2016 के, अर्बन डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है, स्टेट को कैसे रेगुलेट करना है, किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहां पर होना चाहिए, चीफ फायर ऑफिसर से क्लियरेंस लेना है, पर लेकिन क्या होता है हर जगह घुस चलती है, करप्शन चलता है, बिल्डिंग बना लेते हैं पैसा दे जाकर, फिर लोगों की जान जाती है तो फिर पता चलता है सबके काले चीटे खुलते हैं कि इसने ये हरकतें की थी, उसने ये हरकतें की थी। अगर इंसान स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपने आप को सही रखे इन करप्शन वगैरह मुद्दों से या फिर गलत चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखे तो कई सारी चीजों से बच सकता है। ठीक है, पर लेकिन होता क्या है, नॉर्मली ये आदत होती है इंसान को, एक बार यहां पर किसी ने करप्शन से, देखिए आप लोग देखिए पूरे महीने की सैलरी मान लीजिए 60,000 है, ठीक है, पर्टिकुलर अगर करप्शन कर दिया, कोई आया पैसे देने, उसने आते ही 5 लाख थमा दिए, एक दिन में 5 लाख कमा के चला गया। ठीक है, अब ये सोचेगा यार 60,000 रुपए महीने की सैलरी आ रही है, एक एक दिन में 5-5 लाख मिल रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा बेटर है, तो पड़ गया लालच। अब ये लालच यहां पर लेकर डूब जाता है, वहां से फिर चीजें खराब होने लगती है। इंसान के लालच का कोई अंत नहीं है, तो इसलिए इंसान को हमेशा अपने लालच को कंट्रोल रखना चाहिए और प्रोडक्टिव चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो फिर वहां से करप्शन बढ़ता चला जाता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, उनके करप्शन की वजह से लोगों की जान जाती है, पुल गिर गए, पुल में ढंग से मटेरियल नहीं लगाया, रोड बनाई 2 दिन पहले अभी यहां पर, फिर उसको देखेंगे 2-3 दिन बाद वहां पर कंकड़ पत्थर निकलनी स्टार्ट हो गई रोड में से, तो ये सारी चीजें हैं। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेगी, ये भी काम करते हैं। इसी के साथ में मॉडल बिल के बारे में बात की जा रही है, मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड सेफ्टी के बारे में बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके बेस पर हम लोग चीजों को टैकल करते हैं। और हाँ, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊं तो देखिए यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नेशनल लेवल पर, ठीक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी होगी इन चीजों को टैकल करने के लिए, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट पे आ गई और लोकल अथॉरिटी होगी, तो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो अगर इंक्लूड करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्युनिसिपैलिटी के एरिया पर भी, तो लोकल एरिया पर देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, ये यहां पर उसको हेड करते हैं, स्टेट पर चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें यहां पर आप लोग देखें नेशनल डिजास्टर बॉडी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं यहां पर, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी आप लोग यहां पर देख लीजिए यहां पर, ठीक है, तो इंक्लूड यहां पर रहते हैं जो हमारी होम सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो अच्छे अच्छे लेवल पर, हर एक लेवल पर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए प्रोविजन किया गया है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो पूरा मैंने आप लोगों के सामने कुछ चीजें यहाँ पर शेयर की। आगे चलते हैं लॉकडाउन के बारे में। तो लॉकडाउन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी बोला है कि इनविटेबल है, पर लेकिन स्टेट जो शटडाउन है वो इनविटेबल है। बोला कि स्टेट को शटडाउन लगाना ही पड़ेगा वरना ब्रेक नहीं होगा, पर लेकिन उसको ढंग से यूज किया जाए हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में जो कोविड 19 से रिलेटेड जो कंडीशन है बिल्कुल नर्क जैसी कंडीशन बन गई देश के अंदर में। मतलब लोग इतने मर रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी देश के अंदर कुछ होने वाला है। इन्फेक्शन काफी लार्ज स्केल पर है, डिजीज बढ़ रही है काफी लार्ज स्केल पर, लोगों की जान जा रही है और कई सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पर सबसे पहले जो सोल्यूशन दिमाग में आता है तो वह लॉकडाउन। पर लॉकडाउन से लोग इतना खौफ खा चुके हैं पहले ही, अब लॉकडाउन सुनते ही इसके बारे में गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है। पहले फरवरी में 9000 जो लोगों की केस आ रहे थे डेली के, ठीक है कि 9000 लोग कोविड 19 के केस आ गए, पर लेकिन अब कितने 4 लाख अब मई में, लास्ट ईयर फरवरी में और अब की बार मई में अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाएगा। इसी के साथ में रोंग तरीके से मेजर किया गया, मैसिव पॉलिटिकल रैली ला गई, रिलीजियस काफी लार्ज स्केल पर इवेंट जो थे वो सेलिब्रेट किए गए, जिसका खामियाजा अभी हम लोग यहां पर भुगत रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने ये सारी हरकतें अपने आप ही की है, उसी में हम लोग अभी लिपट कर रह गए हैं। WHO के द्वारा अगर बात करें तो बोला गया था, एक्सप्लेन किया गया था, SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो COVID-2 है यहां पर, ये रेस्पिरेटरी ड्रोपलेट से फैलता है। ठीक है, छींकते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, सांस लेते हैं। अब तो ये भी बोला जा रहा है कि डबल मास्क आप लोगों को यूज करने, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड 19 की बीमारी है, वो कोई पर्सन मान लीजिए यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से वो पर्सन गया थोड़ी देर पहले, तो 2-4 मिनट तक उसकी सांस से अगर जो भी ड्रोपलेट्स निकले हैं वो उसमें हवा में अवेलेबल रहेंगे। मान लीजिए तो यहां से चला गया और हम लोग घूमते हुए यहां से यहां पर आ गए, ठीक है, तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, हम लोगों ने सांस ली हमारे अंदर घुस गया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिलहाल के टाइम पर सिचुएशन ये बनी हुई है कि ये सांस से भी फैलने वाली बीमारी बन चुकी है। तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो मास्क नहीं, एक गुड मास्क, अच्छा हेलमेट पहनना है सर, ऐसे नहीं कि बस पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनना है, एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए, अच्छा मास्क होना चाहिए, कम से कम डबल लेयर वाला मास्क होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस काफी ज्यादा जरूरी हो गई है और गैदरिंग तो जहां पर भी हो, रेस्टोरेंट, मॉल हो या फिर कहीं पर आप लोग रिलीजियस गैदरिंग या ट्रांसपोर्ट में, अपने आप को अपने आप बचाना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया वो आप लोग अभी देख ही रहे हैं, चाहे कोई सेंटर की हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसके मेजर्स जो है वो आप लोग काम नहीं आने वाले, अपने खुद के मेजर्स आप लोग के काम आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को लेसन लर्न करना चाहिए खासकर, और प्रिपेयर रहना चाहिए आगे आने वाले टाइम के लिए। इसी के साथ में कई सारी सर्विस जो है पहले कंप्लीटली जो थी वो शट डाउन कर दी गई थी, अब यहां पर होम डिलीवरी चल रही है सर्विसेज की, वेंडिंग जो चीजें हैं वो चल रही है, जैसे कि मशीन के अंदर रख देते हैं पैसा डालो और सामान निकाल लो, कई जगह वो भी देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है। कई सारे राज्य से तमिलनाडु में 4000 के करीब रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है जो कि काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। राशन जो है ये घर पर ही पहुंचाया जा रहा है डोर स्टेप पर, ठीक है, लोगों को राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ई पेमेंट करने की फैसिलिटी है। मैं आप लोगों को भी सजेशन यहां पर दूंगा, जो नॉर्मल मनी होती है उसको यूज करने से बचिए, ठीक है, पेटीएम यूज कर लीजिए, फोन पे यूज कर लीजिए, गूगल पे यूज कर लीजिए, इसी के साथ में आप लोग भीम ऐप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों का कोई भी बैंक है वहां पर भी वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, पर कैसे यूज करने से बचिए, क्योंकि पता नहीं किस किस के हाथों में वो घूम कर आ रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां पर ट्रेवल की जो इमरजेंसी है, तो उसको चलते देखने की, पहले काफी ज्यादा हरेसमेंट हो गया था, अगर कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो लिमिटेड वे में कम से कम लोगों को अलाउ करो, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ घूम रही है पर लिमिटेड वे में, ताकि हफरा तफरी न मचे, ठीक है, उनको ये लगे कि फंसे नहीं है, अगर चाहेंगे थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो निकल जाएंगे। तो एक नॉर्मल चीज आप लोगों को लगनी है, क्योंकि देश के अंदर ऑलरेडी 37 लाख जो है एक्टिव केस आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, पर लेकिन कहीं मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं आप लोगों को दवाई की कमी देखने को मिलेगी, कहीं वेंटिलेटर की कमी है, तो कमियां बहुत सारी है, पर लेकिन कमियों को ध्यान में रखते हुए उनका सोल्यूशन में कर रहे हैं, कमियों को बैठकर रोना नहीं है माथे पे हाथ रखकर, ठीक है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड इसी को कहते हैं। एग्जिस्टिंग जो आज के पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है, तो लॉकडाउन जो है अभी ये देखना है कि जो देखिए क्या होता है, बेसिकली लॉकडाउन क्या करेगा, जो यहां पर आगे जो वेव बढ़ रही है उसको रोक देगा। फिलहाल जो पेशेंट है उनको एक तरीके से वो नहीं कहते कि बिल्कुल आर्मी वाले जोन में आकर चीजों को कंट्रोल करना है, फटाफट लोगों को इलाज करना है, उनको दवाइयां देनी है, उनको बेसिकली होम क्वारंटाइन करके वो सारी चीजें करनी है प्रॉपर में, तो आगे चीजों को बढ़ने से रोकना है और प्रेजेंट टाइम पर फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो वो चीजें ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में बात करें तो यहां पर एक तरीके से जो वैक्सीनेशन रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल पर नहीं है जैसा होना चाहिए, भी मैंने आप लोगों को डेटा एनालिसिस करके बताया। वैक्सीन का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तब सिचुएशन जाकर कंट्रोल में आएगी। तो जो आज की डेट में ड्रास्टिकली जो चीजें इंक्रीज हो रही है उसके बारे में बात करें तो सिचुएशन समझनी पड़ेगी हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करेंगे पेंडेमिक को, वरना और ज्यादा बेकार कंडीशन होगी, और ज्यादा सिचुएशन खराब होगी, और ज्यादा लोगों की जान जाएगी। तो कहने का मतलब यह है अभी आप लोगों का पेपर पोस्टपोन हो गए कई सारे, एक तो यह कि मजा करो, एंजॉय करो,
आईपीएल भी नहीं है, अब इंजॉय कैसे करोगे? ठीक है, अब तो वैसे टाइम पास होगा, तो क्यों ना बैठ के अच्छे से घर पर पढ़ाई की जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये भी तो काम आप लोग कर सकते हैं, मतलब अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर लें, ऑनलाइन कोई एक तरीके से योगा वगैरह जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये इस तरीके कोर्स वगैरह आप लोग कुछ ले सकते हैं, मतलब अपने फ्री टाइम जिनके पास में लगता है फ्री टाइम है उसको यूज कर सकते हैं, जिनके पास में लगता है कि नहीं सही है काम चल ही रहा है अपनी किताबें पढ़ रहे हैं बहुत कुछ है पढ़ने के लिए वो उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों के हाथ में है यार चीजें, अब आप लोग देखिए कैसे आप लोगों को चीजों को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें सही तरीके से चलनी चाहिए। ये एक छोटी सी न्यूज है जो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस की थी, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, एक इस कमेटी में बेसिकली ये रखा गया है कि कमेटी नहीं बेसिकली टास्क फोर्स है जो ये देखेगी कि ऑक्सीजन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देश के अंदर होना है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जाती है। एक बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, वो रूल और रेगुलेशन बनाएगी स्टेट लेवल पर स्टेट में और सेंट्रल लेवल पर सेंटर पर। एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, जिसने रूल बना दिया उसको इंप्लीमेंट करेगी। जुडिशरी अपना काम करेगी, ये एक तो जस्टिस का काम करेगी और दूसरा क्या संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं उनको देखेगी, अगर संविधान के हिसाब से काम नहीं करे तो उनको ठीक करेगी पकड़कर। तो जुडिशरी ने यही काम यहां पर किया है। यहां पर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चीजों को ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से देश के अंदर त्राही माम बची हुई थी, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। राइट टू लाइफ में अगर चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो आर्टिकल 32 जो है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, वो फॉलो करके अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, पर लेकिन सब अपना काम ढंग से करें तभी तो चलेगा। पता चला एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो अपना काम ही नहीं कर रहे तो उसको कैसे टैगल करना है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी यार देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कोर्ट आया और उसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिली, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये एक छोटी सा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो बाकी तो यहां पर एक जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर जो है उसका आंसर क्या हो गया, उसका आंसर यहां पर डी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो भी चीजें हैं अगर आप लोगों को लगता है कुछ चीजें रह जाती है कई बार थोड़ी बहुत, ठीक है, तो बताइए जरूर, जैसे आप लोगों को पता है फिलहाल मैं अभी जो है उस जोन में नहीं हूं यार चीजें, पर फिर भी जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो छोड़ूंगा कुछ नहीं, अगर आप लोगों को लगे कुछ भी तो बाद में सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, आंसर यहां पर देख सकते हैं डी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी है और यहां पर ये अटलांटिक ओशन है, तो उधर यहां पर स्पेन हो गया, ये मोरक्को हो गया, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप के साथ में भी कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिल रही है, तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी कनेक्ट करता है, तो दोनों तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बाकी यहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।